हाँ, मैं खुशी हुई मुझे देखकर या नहीं? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपना हिसाब बराबर करने के लिए। कौन सा हिसाब? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे होने वाले पति डॉक्टर रुशान को मारा था, और वो प्रतीक डॉक्टर रुशान बनकर घूम रहा था। पर तुम प्रतीक को तो मार ही चुकी हो, और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। नहीं, मेरा बदला तो अब पूरा हो गया जब मैं तुझे तेरे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी। प्लीज, बदले की आग इतनी भड़की हुई है कि खून के पर खून करती जा रही है। माना के इसने गुनाह किया है, मगर तुम्हारा बदला लेने का तरीका भी गलत है। कानून सजा देगा इसे। अगर कानून सजा दे सकती थी तो ये इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ऐसे लोगों को सजा देने का यही तरीका है। तुम्हारे भी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए बदला लेने का इंतजार कर रही थी मैं। मगर तुम इसे मानना क्यों चाहते हो? मैं संजीव की बीवी हूँ जिसका इसने खून कर दिया है, और अब ये संजीव बन के घूम रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को पता कैसे चला कि नकली संजीव कहाँ पे छुपा है? हमें अनन्या ने बताया। हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, और इन तीनों को भी। तभी हमें पता चल गया था कि सच क्या है। और फिर एक एक को ऐसे ही मारने का प्लान बनाया था जैसा कि लोगों ने रुशान, आर्यन और संजीत को मारा था। मतलब ये सारा प्लान तुम तीनों ने ही बनाया इन्हें मारने का? हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। हमने उन दोनों का खेल तो खत्म कर दिया था। तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे CID के सामने मारूंगा। बस बस बस, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, कोशिश करना भी बेकार है, समझे? चुपचाप अपनी गन फेंक दो, ले लो गन। ये तो बहुत नसीब वाला निकला सर। इसकी वजह से इन लोगों की किस्मत खराब हो गई। अगर ये नहीं बचता तो शायद तुम लोग कुछ दिन और हमसे बचे रहते। दो दो खून किए तुम लोगों, दो दो खून, जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। रूम नहीं मिल सकता? इतना बड़ा होटल है, क्या मतलब है आपका? देखिए, हम मजबूर हैं। एक्चुअली CID हमारे होटल में कुछ पूछताछ कर रही है। तो हमारी क्या गलती है? हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। ठीक कह रहे मैनेजर साहब, दो दो खून हुए इस होटल में, और बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि खूनी कौन। खूनी का पता चल गया? जी हाँ, जूतों से। जूते से? आप जरा ये कैमरा की रिकॉर्डिंग देखिए, इसमें जो जूता है वो किसका है बताइए। क्या हुआ मैनेजर साहब, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया जूता देखकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना कि आज सुबह से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ है, मैं काम पे भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं जरा 2 मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये गया और ये आया। हाँ बिल्कुल, प्लीज। जितना तैरना, कोई भाई नहीं है, थक जा तो बता देना। आजा। अबे कसर पूरी कर ली तुम्हें, आजा ऊपर। आ गया।
कैसे मारा गिरीश और नेहा को? उठ। मैं पहले से ही कमरे में था। जब गिरीश और नेहा वहां आए तो मैंने उनका खून कर दिया, उनकी डेड बॉडी को बेड में छुपा दिया और फिर जाकर खुद कबर्ड में छुप गया। बाहर कैसे आया कबर्ड से? जैसे ही अखिल चिल्लाने लगा तो लोग इकट्ठा हो गए और मैं भीड़ का फायदा उठाकर धीरे धीरे लोगों में शामिल हो गया। मैं फिर से अंदर आ गया और लोगों से बातें करने लगा और किसी को पता भी नहीं चला। प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की, मगर इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिले। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। स्नेहा पे शक करके ये बहुत बड़ा पाप कर दी। मेरी वजह से स्नेहा की जान गई। ये मैंने क्या कर दी? अपनी बीबी की मौत का कारण मैं ही बन गया। अखिल भैया, कैसे हो गया ये? किसने मारा भाभी को? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने भी नहीं देखा उसे लक्ष्य, मगर लगता है कि सीआईडी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया? हाँ। कौन है वो? कुछ तो बताओगे ना सीआईडी ने? बता भी देंगे और दिखा भी देंगे। समझे? आप लोग? सीआईडी। खून किसने किया बताओ? सर एक बार बता दीजिए सर, मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे ये तो थोड़ा मुश्किल है सर। एक बार आप उसे मेरे हाथों में देखे तो देखिए सर। अच्छा चलो, दे दिया तुम्हारे हाथों में। क्यों मजाक कर रहे हो सर? मजाक नहीं कर रहा हूं, अब मरोड़ो अपनी ही गर्दन, अपने ही हाथों से मरोड़ो। सर मैं? हाँ तुम मरोड़ो अपनी ही गर्दन। देखिए आप लोगों को कोई गलत समझ होगी सर, मैं भला स्नेहा भाभी का खून क्यों करूंगा? देखो जब भी खून तेरे पे पश्चाताप का निशान नहीं दिखता ना, ये मेरा दिमाग है ना, खोल उठता है, समझे? आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे सर। सर इसने खून किया होगा सर, ये स्नेहा भाभी पे शक कर रहा था सर, इसने किया होगा खून। किधर है? स्नेहा और गिरीश ने दोनों नाक में दम कर दिया था सर। वो हमारे धंधे में दीवार बन के खड़े हो गए थे। किस धंधे की बात कर रहे हो तुम? हमारा बिजनेस सर। कैसा बिजनेस? ड्रग्स का। ड्रग्स? तुम जहर बेचते फिरते हो? सर मैनेजर भी सर इसमें शामिल था सर। और ये सब गिरीश और स्नेहा को पता चल गया है ना? वो दोनों चुप चुप के हम पे नजर रखने लग गए थे। ये प्लान बनाया कि अखिल भैया को गिरीश और स्नेहा भाभी का चक्कर चल रहा है, इस बारे में भड़का दूंगा। देखा तुम्हारे भाई के कारनामे? फिर क्या हुआ बोल। लेकिन अखिल ने तो कमरे में कैमरा लगा दिया था। जब तक मैंने फोन कर मैनेजर को बोला तब तक वो दोनों को मार के उनकी लाशें बेड में छुपा चुका था, ये सोच के कि कभी मौका मिलने पे उन्हें वहां से निकाल के कहीं और छुपा देगा। लानत है तुम पर, तुम्हारी वजह से दो दो हंसते खेलते घर बर्बाद हो गए, दो दो खून करवाए तुमने और उस मैनेजर ने। जेल में सड़ते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक।